चलिए आज होकर बच्चे से मिलते हैं ऋषभ राज से, जिनकी ऑल इंडिया 391 रैंक है और इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला है। तो ऋषभ, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऋषभ जो है वो बिहार से हैं। थैंक यू सर, मैं बिहार भगवा से हूं। तो ऋषभ, ये जो मैं सेशन लेता हूं, एक्चुअल में ये आपकी लाइफ का सक्सेस जर्नी तो है ही, और ये सेशन आपकी इंटायर लाइफ को आने वाले समय में चेंज भी करेगा। पर ये सेशन आपके जब जूनियर्स या वो बच्चे जो कि कंफ्यूज होते हैं, तो जब वो सुनते हैं तो बहुत सारे उनमें से कई बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। तो आपने ये जो अचीवमेंट किया है वो लाइफ फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए, घर पर रहते हुए बिहार में ऑनलाइन कोर्स के साथ पढ़ाई करते हुए। तो ऋषभ, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस जर्नी क्या है, मतलब आपने कब एमसीए के लिए सोचा, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की, और फाइनल ईयर के साथ आपका मैनेजमेंट कैसा था, कितने मार्क्स थे आपके, और किस किस एरिया में कैसे वर्क किया आपने। मतलब आपको अपनी सक्सेस जर्नी, आपका अपना एक्सपीरियंस बताना है। ओके सर, मैंने 10th क्लास तक मेरी होम टाउन बिहार, भगवा बिहार से ही पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने अपने नानी घर में आने रह गया। मुझे यहाँ से मैंने प्लस टू की, मैंने साइंस लिया क्योंकि मुझे लगा कि इससे अच्छी आगे करियर बन सकती है, इसलिए मैंने साइंस को ऑप्ट किया। फिर साइंस लेने के बाद जैसे ही सब कोई बोलते हैं कि आई टी जेई, तो मैंने उसी की तैयारी करना शुरू किया। तो मैंने घर के आसपास के कोचिंग से ही मैंने शुरू किया। तो फिर मैंने 2018 में 12th के क्लास के साथ मैंने आईटी का एग्जाम दिया। तो मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, पर क्योंकि मुझे जाना था एनआईटी आईआईटी में बीटेक के लिए, कंप्यूटर पढ़ने के लिए, तो मैंने फिर एक साल ड्रॉप लिया। पर फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने उतना कुछ, शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इसलिए मैं अच्छी रैंक उसमें भी फिर नहीं आई। फिर मैं रिजल्ट आने के बाद मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई, मैंने शायद कहाँ मैं लैग कर गया। मुझे बहुत फेलियर वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहने लगा था। फिर मुझे ऐसे ही मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक पता चला कि मैं बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहा था। तो मैं यूं ही देख रहा था कि मैं बीएससी मैथ ऑनर्स के बाद क्या क्या चीजें और कर सकता हूँ, क्या क्या करियर अवेलेबल है। तो मैंने फिर देखा तो मुझे एमसीए दिखा। तो मैंने फिर एमसीए के बारे में सर्च किया कि कैसे इसमें एडमिशन लिया जाता है। मुझे लगा शायद ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो शायद मैं इसमें अपनी आगे करियर बना सकता हूँ। तो मैंने उसके बारे में देखा, तो मुझे पता चला नीमसेट एक एग्जाम होता है, इससे एनआईटी मिलता है। मुझे लगा कि अच्छा है, मैं जेई से नहीं जा पाया तो मैं इससे चल जाता हूँ। तो मैंने फिर यूट्यूब पर सर्च किया नीमसेट के बारे में, तो सबसे पहले आपकी वीडियो आई। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे तैयारी होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने मैंने उस समय उतनी तैयारी उतनी शुरू नहीं की, 2019 की बात है, मैंने वो समय पहली बार वीडियो देखी थी, पर मैंने उस समय तैयारी शुरू नहीं की। मैंने और सब चीजें एक्सप्लोर की क्योंकि मुझे फेलियर वाली बहुत फीलिंग आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा था सही से, इसकी वजह से मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम भी अच्छी नहीं गई थी। तो फिर मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, मैंने ड्रॉइंग ट्राई किया, मैंने एनिमेशन ट्राई करा, मैंने बहुत सारे, फिर मैंने एसएससी के एग्जाम भी दिए। फिर उसके रिजल्ट में भी मैं थोड़े से कुछ ना कुछ कट ऑफ से दूर रह गया। फिर 2020 में अप्रैल से मैंने इसकी तैयारी करना शुरू करा। तो मुझे पता नहीं था कैसे क्या होता है। जब मैंने सर्च करा तो मुझे सौरभ शुक्ला सर की वीडियो मिली, उसमें उन्होंने कहा कि तुम 6th क्लास से, जो क्योंकि मेरी पूरी बेसिक्स ही खराब थी, तो फिर मैंने 6th क्लास से 6, 7, 8, 9, 10 सारी इन सारे क्लासों की मैंने कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये बहुत क्या, मैं छोटी सी क्लास वाला पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे मेरी बहुत बेसिक मेरी मजबूत हुई। फिर मैंने उसके बाद 11 के पढ़ना शुरू किया, फिर कोरोना आ गया। तो फिर उस समय मेरा ये भी था कि मेरी सेशन क्योंकि लेट चल रही थी, तो फिर मेरी कॉलेज की सेशन लेट चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरी टाइम पर ये कम्प्लीट ही नहीं हो पाएगी 21 में, तो मैं शायद मार्कशीट ही नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैंने इसलिए मैंने कुछ तैयारी उस समय फिर रोक दी। फिर मैंने शायद एक महीने का गैप लिया। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने उसमें कहा था कि जब भी मौका मिले तैयारी, जब भी कुछ टेस्ट पेपर देते रहना चाहिए। फिर मैंने सौरभ शुक्ला सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उनकी बहन शायद रैंक वन आया था। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ में बहुत सारी दी थी नेमसेट के एग्जाम, तो उसमें भी उनकी रैंक अच्छी आई थी। फिर फाइनल ईयर में भी रैंक वन आ गई थी उनकी। तो फिर मैंने इसलिए सोचकर भी मैंने तैयारी करना उस समय से प्रॉपर शुरू किया। फिर मैंने 11 की पढ़ी, 12 की पढ़ी, बट क्योंकि मैं घर से अपने से कर रहा था, तो मुझे उतनी
कंसिस्टेंसी मुझे नहीं मिली थी, तो मैं सही से प्रिपेयर उतनी ढंग से मैं नहीं कर रहा था, लेकिन बस चल रहा था, बस मैं उतना टेस्ट सीरीज में उसमें नहीं दे रहा था क्योंकि उतना अवेयर नहीं था मैं। फिर 2021 में मार्च में जब फॉर्म फिलिंग का टाइम आया, तो उस समय मेरे मन में डाउट आया कि क्या मुझे ये देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं क्योंकि घर में सबसे बड़ा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ ज्यादा है। तो मैं सोच, तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि क्योंकि तुम इतना तैयारी किए ही हो तो दे दो, देखो देकर कैसा होता है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी है मैं इस बार दूंगा, मैं अपनी पूरी 100% एफर्ट के साथ दूंगा। फिर मैंने फॉर्म भरा, फिर मई में कोरोना की वजह से कुछ टाइम मिला, तो जो 3 महीने का जो गैप मिला मई जून जुलाई, उसमें जितनी मेरी पढ़ाई हुई मैंने पूरे साल उतनी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैंने उसमें पूरे प्लान के साथ पढ़ा था। मैं सुबह उठता था तो मैं डिसाइड कर लेता था कि आज क्या क्या सब्जेक्ट कवर करना है। जब फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी, मैं आपकी मैजिकल टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी, आपकी वीडियो लेक्चर्स मैंने फॉलो करे और आपकी टेस्ट सीरीज भी रेगुलर दी। जब लास्ट 3 मंथ्स में मैंने 50+ टेस्ट सीरीज मैंने दे दी थी। फिर टेस्ट सीरीज के मैंने एनालिसिस करे कि मैंने ये टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स लिखे, पहली ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। फिर दूसरी ऐसी कॉलम बनाई जिसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो मैंने पढ़ रखे हैं लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो फिर मैंने 2 तरीके से पढ़ना शुरू करा, एक कि जिसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू करे, जो मैंने पढ़ रखे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे उसके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू करे, और जो मैंने नहीं पढ़ रखे हैं मैं उन्हें भी साथ साथ में पढ़ता गया। तो ये टाइम बैलेंस मैंने करा और फिर मार्क्स मेरे आए। बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने ऋषभ। देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके मन में वो था, मैंने देखा है एमसीए में जो बच्चे जाते हैं स्पेशली नीम सेट में, करीब करीब 10-25% बच्चे वो होते हैं जो आईटी की तैयारी करते हैं, पर आईटी के समय उनका वो सपना पूरा नहीं होता। उसके कई सारे रीजन है, एक रीजन ये होता है कि एक तो आईटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। दूसरा, कई बार हम लेट डिसीजन लेते हैं, मतलब अगर हमने 11th या 12th में ये डिसीजन लिया कि आईटी में जाना है तो एक टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि आप देखो तो आईटी में बच्चे 8-9 से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, पर वो माइंड में था, फिर आप थोड़े भटके, फिर वो सब चीजें थी, फिर आप निकले, ये कितनी अच्छी बात है। फिर जब आपको एमसीए समझ में आ गया तो पहले आपने खुद किया, फिर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ गए। अगर आप और पहले जुड़ गए होते या और पहले थोड़ा एक्शन लेते तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि 391 की जगह हो सकता 91 ही होती, या और अच्छी रैंक भी हो सकती थी। बट इन सब के बाद भी सोचो आपको जो एक टाइम मिला और जो एक टाइम बढ़ा उसका आपने फायदा उठाया, और आज अगर आपकी रैंक आ गई और आज आपको कॉलेज मिल गया, आप सोचिए अगर आप हिम्मत ही हार जाते या मान लो फॉर्म नहीं भरते, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म नहीं भरते ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा, तो सोचिए कि क्या होता। अच्छा एक बात और है कि मान लीजिए एक सिवा आपकी रैंक नहीं भी आती इस बार, आप ड्रॉप लेते पर आप 0 पे नहीं होते। तो ये बात मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं बेटा, बच्चों आप लोग जो सुन रहे हैं कि कभी भी चाहे कितना भी लेट हो गए पर बचे हुए समय को मत खो, उतने समय में अपना पूरा एक्शन लो और अपनी पढ़ाई करो जिससे कोई ना कोई रिजल्ट मिले। तो ऋषभ आप एक बार बताइए कि ये जो आपने अपनी चीजें सीखी अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी है, तो आपको क्या लगता है आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपको आपकी गलतियां कमियां भी पता है, क्या स्ट्रांग है वो भी पता है, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? जैसे मैं यही कहूंगा कि आपको जब भी जब आपको पता चले आप उसी समय तैयारी शुरू कर दो। आप ये नहीं सोचो कि अब मैं ठीक है मैं उस समय से शुरू करूंगा या उस समय से, क्योंकि जब भी आप शुरू करोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो तो पहले से पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने वही चीज मैंने आईटी में फील करी, क्योंकि लोग तो पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपका कंपटीटर तो पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे तो उसमें आपका फॉल्ट हो रहा है। तो इसलिए जब से भी आपको पता चले आप तैयारी तुरंत शुरू कर दो, और रेगुलर टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज से देने से और भी इम्पोर्टेंट है कि आप उसका एनालिसिस करो और सही तरीके से एनालिसिस करो। आपको उसमें अपनी कमी पता चलनी चाहिए कि आप कहाँ वी लैक कर रहे हो, तो आपको कहाँ वर्क करना है। और मैंने मार्क्स भी लिखते थे कि मैंने मार्क्स भी हर टेस्ट सीरीज के लिखता था कि मैं कि इसमें इतने आए इसमें इतने आए, तो वो जो अगर मार्क्स इंक्रीज होते थे तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि नहीं मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे वो रिजल्ट दिख भी रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस आता था। तो आप टेस्ट सीरीज रेगुलर ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज तो रेगुलर देना ही चाहिए, और लास्ट के मंथ में तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है देना। और अगर आप शुरू के बिगनिंग में हैं तो आप अगर वीक में एक दे रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ में आपको वो पढ़ाने होते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा। चलो बहुत अच्छा लगा बेटा ऋषभ आपसे बात करके, अब आप ऐसे ही आगे भी अच्छा परफॉर्म करो, और जो बच्चे मिसगाइड होते हैं या कंफ्यूज होते हैं या कभी किसी कारण से उनका रिजल्ट बिगड़ता है जैसे आपके साथ आईटी के समय हुआ है, तो आप उनको जो गाइड करोगे उससे उनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि आप उस कमबैक करना ही कहलाता है ये, कि आप एक डिप्रेशन मतलब एक थोड़ा सा प्रेशर था
उससे निकले, फिर बीसीए किया और सॉरी बीएससी किया ना आपने, बीएससी मैथ ऑनर्स, हाँ बीएससी मैथ ऑनर्स, उसके बाद फिर आपने ये एमसीए किया, तो आप ऐसे ही गाइड करिए, वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एंड थैंक यू टू यू सर, आपने भी बहुत गाइड किया एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत गाइड किया, तो ऑल थैंक्स टू देम एंड थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू।